मुरादाबाद विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने अपने विधायक निधि से विकास खंड भगतपुर टांडा के ग्राम रायपुर धर्मपुर में नूरी मस्जिद से जंगल की तरफ बनी तीसरी 100 मीटर सीसी टाइल सड़क और नाली का फीता काटकर उद्घाटन किया। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल मालाएं पहनाकर और फूलों की वर्षा कर विधायक हाजी नासिर कुरैशी का जोरदार स्वागत किया। संघ के इस दौरान विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने ग्रामीणों की समस्याएं भी विस्तार से सुनकर उनका जल्द समाधान करने का भरोसा दिलाया। साथ ही गांव में भ्रमण कर वहां की समस्याओं का अवलोकन किया। नहीं लिखी थी, लेकिन अल्लाह का फजल है कि मैंने उसके बाद वो पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का दामन पकड़ा और उनका दामन पकड़ करके जब समाजवादी पार्टी से मैंने यहाँ चुनाव लड़ा देहात विधानसभा 27 पे, तो ये सीट जीती तो समाजवादी पार्टी की पहले भी कई बार, लेकिन अब की बार आप लोगों की मोहब्बत से और आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की मेहनत से ये सीट आपने मुझे इतनी वोटों से जिता करके एमएलए बनाने का काम किया कि जब से देश आजाद हुआ है पहली बार ये सीट इतनी। जिस वक्त मैं यहाँ आया था तो उस वक्त 22 दिन का चुनाव था और मुझे टिकट मिला और 22 दिन चुनाव लड़ने के बाद मैं एमएलए बना। आप लोगों की मोहब्बत से, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मेहनत से, उस वक्त भी मैंने आपके बीच में खड़ा होकर के यही कहा था कि आप लोग एक बार आजमा करके देखें, इंशाल्लाह आपकी बार आपको एमएलए नहीं बल्कि एक भाई और एक बेटा मिलने का काम होगा। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि वो बिना भेदभाव और बिना किसी लालच के सबके हित के लिए काम करेंगे। दूरी पर रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में नासिर कुरैशी जैसा दीदावा। बरसों इंतजार करने के बाद जब इस क्षेत्र का विकास रुक गया था, इस क्षेत्र का डेवलपमेंट रुक गया था, उस वक्त नासिर कुरैशी साहब चाहते थे कि मैं बहुत विकास करके किसी भी उस क्षेत्र का विकास करूं जहां पर बहुत ज़्यादा पसमानदा लोग रहते हैं, गरीबों और मजदूरों किसानों के लिए मैं काम करूं, और अल्लाह ताला ने उनकी तमन्ना को पूरा किया। वो जब जब हज पे गए तो उन्होंने यही दुआ मांगी कि मैं तमाम पसमानदा तबकों के साथ और जितने भी लोग गरीब मजदूर किसान हैं उनका साथ दूं, ताकि और जो हमारे गांवों का विकास रुक गया था 40 साल से, उस विकास को दोबारा कराऊं। उन्होंने वो विकास कराना शुरू किया और आज अल्लाह का करम है, ये काली कमली वाले का ही इसके ऊपर हाथ है कि आज ये तमाम गांवों में जाकर तमाम सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले कभी इतनी सड़कें नहीं बनी थी, जितना शहर से लेकर और गांवों तक जहां जहां इनका क्षेत्र आता है उन एरियाज में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद निस्वार्थ भाव से अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करना और उनकी समस्याओं को दूर करना है, जिसके लिए जनता ने उन्हें चुनकर विधानसभा भेजा है। थोड़ी पड़ी है और तमाम टूटी पड़ी थी, तो अभी तो क्योंकि अभी 8-9 महीने हुए हैं जनप्रतिनिधि बने हुए, तो जो पहली निधि आई थी और उसी में ही जो है करीब 25 गांवों को मैंने चिन्हित किया, और उसमें जैसे जैसे निधि आ रही है वैसे वैसे हम उसको करीब 25 गांवों में रोड बनवाने का काम कर रहे हैं। अभी तक 8 से 10 गांवों में हम बनवा चुके हैं और जहां भी रोड तैयार होता है वहां पर मैं खुद जाकर के उसका उद्घाटन करता हूं, उसकी इफ्तिताह करता हूं। तो आज मैं यहां धर्मपुर और रायपुर में आन करके यहां 105 मीटर का ये रोड है जो कि ये हमने इसको नूरानी मस्जिद पर इसे आज हमने डलवाने का काम किया, इसका आज उद्घाटन करने का काम किया है। इसी विषय में आज मैं इनके बीच में यहाँ देहात में आया था और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने इस गाँव वासियों का और देहात विधानसभा 27 की आवाम का कि उन्होंने मुझे यहाँ आज बहुत बड़ा मान सम्मान दिया। मैं इनसे फिर ये वादा कर रहा हूँ तो जब तक भी मेरे मुकद्दर में इनके बीच रहना लिखा है इंशाल्लाह, जब तक मैं इनके कंधे से कंधा मिला करके इनका साथ रहूंगा और हमेशा मैं इनके परिवार का हिस्सा बनकर हमेशा काम करता रहूंगा। इस मौके पर ग्राम प्रधान साबिर हुसैन, वरिष्ठ सपा नेता संगीन सईद खान, शाकिर रायनी, नबी अहसन आदि लोग मौजूद रहे।